प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज करी पत्ता का चटनी बनाएंगे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, 5-6 कट करी पत्ता को धो के ऐसा साफ करके लिया है। मिर्ची, लाल मिर्ची, ये तीखा वाला मिर्ची भी है और कलर वाला मिर्ची है। इमली, एक 50 ग्राम्स इमली, गुड़, हिंग, राई, नमक, मेथी और सरसों भून के पाउडर करके लिया है, ऑयल, तेल, अभी पहले मिर्ची को भून लेंगे। एक कढ़ाई में मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, इसको भून लेंगे एक मिनट के लिए। ऐसा भून लेंगे ठंडा करके। मिक्सी जार में डाल रही हूँ, इसको पाउडर कर लेंगे, निकाल लेंगे एक कटोरी में। अभी उसी मिक्सी में गुड़ आधा डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, इमली आधा डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। देखिए, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी में लाल मिर्ची डाल रही हूँ, पाउडर जो निकाल के रखा था ना, और जो बचा के रखा था इमली, वो भी डाल रही हूँ, गुड़ भी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, करी पत्ता जो बचा है वो भी इसमें डाल के ये भी ऐसा नाइस पेस्ट कर लेंगे। अभी एक कुकर में तेल डाल रही हूँ, राई डाल रही हूँ, हिंग, थोड़ा बड़ा कुकर लेने से अच्छा है क्योंकि ये उड़ता है। अभी ये मसाला जो पीस के रखा है ना, करी पत्ता वो सब, ये इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, एक आधा पौना घंटा लगता है ये बनने में। मीडियम गैस में ऐसा पकाएंगे, बीच बीच में ऐसा चलाते रहेंगे। मेथी सरसों का पाउडर भी डाल रही हूँ। देखिए, हलवा जैसा बन रहा है। ये फ्रिज में रखने से 6 महीना भी रख सकते हैं, बाहर रखने से 15-20 दिन भी आराम से बाहर रख सकते हैं, लेकिन गीला स्पून नहीं डालना है, सूखा स्पून डाल सकते हैं, जैसे हम अचार यूज़ करते हैं ना ऐसे। देखिए, करी पत्ता का चटनी बन गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। करी पत्ता का चटनी रेडी।